हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रईसा की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं कर रही थी मेरे जो ट्राइपॉड्स हैं उनको क्लीन कर रही थी, छोटा और बड़ा। तो इन दोनों को क्लीन करके मैं इस बैग में डाल दूँगी ट्राइपॉड के। और मैं किस लिए क्लीन कर रही थी, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं कहीं और घूमने के लिए। तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि आने वाले व्लॉग्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि आने वाले 2 से 3 व्लॉग शायद मैं पार्ट्स में डिवाइड करके व्लॉग्स अपलोड करूँगी, तो देखिएगा ज़रूर। तो 2 से 3 व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। तो हम लोग जाने वाले हैं कहीं घूमने बहुत दिनों बाद, यानी लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं ऐसा समझ लीजिए। एक दिन में जाकर आ जाएंगे, लेकिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि हम लोग कहीं पे नहीं गए थे, बस परसों जब मैंने मार्केट गई थी उतना ही, और अभी जा रहे हैं। तो तकरीबन 6 महीने हो गए होंगे हम लोग कहीं पे भी नहीं गए, तकरीबन 6 नहीं उससे ज़्यादा ही हो गए हैं। मतलब दिसंबर में हम लोग हुबली जाकर आए हैं, तो उसके बाद कहीं नहीं गए। तो यही हमारा लॉन्ग ट्रिप है अभी फ़िलहाल के लिए। तो हम लोग बहुत खुशी से बहुत ही ज़्यादा प्रिपरेशन के साथ जा रहे हैं, आपको दिखाऊंगी मैं आगे। तो चलिए देख लीजिए इस ब्लॉग को। तो देखिए फ्रेंड्स, ट्राइपॉड तो मैंने पैक करके रख लिया है, और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। तो मैंने परसों आपको बताया था कि मैंने मड़की दाने भिगोए थे, उसी दानों से मैंने निकाल लिए हैं स्प्राउट। तो इनकी सब्ज़ी मैं बनाऊँगी, आगे आपको दिखाऊँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने बना लिए हैं रोटियाँ, और ज्वार की रोटी भी मैंने बना के रखी हुई है, और जो हमारा ब्रेकफास्ट की रोटी है वो भी बना के रखी हुई है। और मैं अभी यहाँ पे बनाऊँगी मड़की दाने की सब्ज़ी जो स्प्राउट मैंने निकाल के रखे हैं, और नमकीन बेसन की चकते में बनाऊंगी। हम इसको चकते ही बोलते हैं बेसन के, तो आप क्या बोलते हो बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। तो मेरे ननंद भी कुछ बनाकर लाएंगे, यानी हम दोनों ने कंट्रीब्यूट किया है, थोड़ा वो बनाएंगे थोड़ा मैं, यानी वो चिकन की ग्रेवी और जो पोड़ी ओगरी चावल है वो। और यहाँ पे देखिए मेरी सारी पैकिंग हो चुकी है, और हम वेट कर रहे थे हमारे ननंद का आने का, और वो आ भी चुके हैं। तो अब हम निकल रहे हैं गाड़ी में बैठने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आगे आपको हमारी ट्रिप के साथ, आप भी चलिए हमारे साथ। थोड़ा सा माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि जो मैंने कैमरा ऑन रखा था मैं भूल ही गई कि इसको शूट भी करना है, क्योंकि गाड़ी में जब वो आ गए तो सामान रखना था हमें डिक्की में, तो इधर उधर हो गया। मैंने पकड़ा दिया मेरे आपा को कि कैमरा आप पकड़ो, मैं सामान रख लेती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड रख रहे थे, तो फिर मैं भूल ही गई, फिर बाद में बैठने के बाद मैंने शूट किया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। तो हम लोग घर से निकले हुए हैं, अभी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी ही दूर है हम लोग, मतलब अभी अभी निकले हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आगे, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया है हम लोगों ने, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि हम लोग गए थे बहुत दिन के बाद, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे कभी कोई आता है, मतलब हमारे हुबली से कोई आता है, तो हम लोग जाते हैं उस जगह पर, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आगे मैं उस जगह का नाम नहीं बताऊंगी, आगे जाने के बाद जब हम पहुंचेंगे फाइनल डेस्टिनेशन पे, तब मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग कहाँ पे आए हैं। तो देखते रहिएगा इस ब्लॉग को। और यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है हमारा डोडो, तो इसको माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मैं उसका कुछ नहीं कर सकती, वो बोलता रहता है जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ। तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, हमारे साथ पंजिम हम जा रहे हैं, तो इतना मैं बता सकती हूँ आपको। और यहाँ पे रास्ते में ही पड़ती है एक सबसे बड़ी मस्जिद और शायद से मदरसा, तो फिर मैं उतना नहीं दिखा पाई क्योंकि ट्रैफिक बहुत रहता है। तो हम लोग हाईवे पे थे इसीलिए मैंने शूट नहीं किया, थोड़ा बहुत वो जा रहा था तब मैंने उसको देखा, फिर शूट किया थोड़ा सा। और अब हम पहुँच चुके हैं पंजिम की जो ब्रिज है, नई बनी हुई है, वो बहुत बड़ी है, और इस ब्रिज से बहुत ही प्यारा व्यू आता है। और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी एक फिल्म की ब्रिज, तो वहाँ पे उस साइड पे आपको दिखाई दे रही होगी जहाँ पे ट्रेन जाती है ब्रिज। तो अजब प्रेम की गजब कहानी जो फिल्म है, जहाँ पे कटरीना कैफ रणबीर कपूर को ट्रेन से ऊपर लेती है, मतलब समंदर पे वो जब बोट पे आते हैं तो फिर उनको ऊपर लेती है वो ट्रेन में, तो वही वो सीन वही ब्रिज का था। तो वही मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ऐसे ही मैं कुछ स्पॉट्स हैं वो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो यहाँ पे इतना ही है।
देखिए ये ब्रिज बहुत ही बड़ी है, तो फिर हम लोग जा ही रहे हैं इस ब्रिज के ऊपर से। तो यहाँ पे थोड़ा सा व्यू मैं आपको बता रही हूँ, मतलब जितने बोट्स हैं, जितने भी शिप खड़े हुए हैं, वही मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। यहाँ से बहुत प्यारा व्यू आता है, लेकिन खड़े मतलब गाड़ी को स्टॉप करके हम लोग वीडियो नहीं बना सकते। बहुत बड़ा ब्रिज है और हाईवे है, तो फिर डर लगता है। तो ऐसे ही भाईजान ने बोला कि यहाँ से ऐसे ही शूट कर लो, तो फिर मैंने शूट कर लिया, वही आपके साथ शेयर कर रही। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा अपनी जो फैमिली है उनके सारे मेंबर्स का मैंने थोड़ा सा सेल्फी कैमरे से थोड़ा सा शूट कर लिया था, लेकिन सारों ने कह दिया कि हमारा फेस आप रिवील नहीं करोगे। तो मैं भी खुद का नहीं करती, तो उनकी परमिशन के बिना तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी उनका फेस, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ब्लर कर दिया है यहाँ पे, तो माइंड मत कीजिएगा। और हम पहुँच चुके हैं हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ पे। तो ये हम आए हैं दरगाह पे, तो ये माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा और बहुत ही प्यारे और बहुत ही ज़्यादा ठंडक है इस दरगाह में। तो अगर आप गोवा आते हैं तो पंजिम ज़रूर आइएगा। इस दरगाह का नाम है हमज़ा शाह दरगाह, ये बहुत ही प्यारे हैं, एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो मैं आगे यहाँ पे वॉइस ओवर नहीं करूँगी। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आगे के जो मेरे आने वाले ब्लॉग्स हैं उनको भी ज़रूर से देखिएगा। मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूँगी अगले ब्लॉग्स में, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। इतना ही मैं यहाँ पर शूट किया है, मैंने शूट तो किया है, लेकिन आगे मैं नेक्स्ट व्लॉग में और भी शेयर करूँगी। तो और भी क्लिप्स मैं इसमें ऐड कर देती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए मैंने नहीं ऐड किया है। तो चलिए आप भी मेरे साथ कर लीजिए इस दरगाह की ज़ियारत। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ अंदर। तेरे सदके में आका सारे जहाँ को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा। ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी खैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सिमते नबी वो जहल गया, आका से उसने ये कहा है क्या, आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ। मुट्ठी से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। सिमते नबी वो जहल गया, आका से उसने ये कहा, गर हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमते नबी वो जहल गया, आका से उसने ये कहा, गर हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ, आका का फरमान।
की घटा, आप से आलम महक उठा, खत्म हुई जुल्मत की घटा, बच्चा